गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हमने कक्षा 7 की एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। वैसे तो इसका वीडियो आपको शायद मिल गया होगा, लेकिन वो थोड़ा सा सही बना हुआ है, सीधे बताया हुआ। यहाँ तक हम विस्तृत चर्चा करेंगे इसमें भिन्न और प्रस्तुत। देखो भिन्न क्या होती है, भिन्न जो अंश बटे हर में लिखी हुई होती है ना संख्या, अंश बटे हर में जो संख्या लिखी होती है वो क्या होती है, भिन्न होती है। और भिन्न होती है कितने प्रकार की, भिन्न होती है आपकी दो प्रकार की, एक होती है साधारण भिन्न, ठीक है, जिसको आप सीधा अंश और हर में लिखे होते हैं, जैसे ये लिखा होता है, जैसे मैं लिखूँ अगर 3/5 तो ये क्या है, साधारण भिन्न। और एक होती है मिश्रित, एक होती है मिश्रित भिन्न। और मिश्रित भिन्न का मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं 1/2 तो ये क्या है, मिश्रित भिन्न। अच्छा एक बात और आपको नहीं आई होगा, आपको पता ही, लेकिन देखो मैं पूछ लेता हूं, अगर मैं ये लिखूं 3/5 तो मेरे को बताओ यहां निशान किसका होता है, गुणा का होता है, प्लस का होता है, माइनस का होता है, या भाग का होता है। ये चार संख्याएं मूलभूत संख्याएं होती हैं, चारों में से यहां निशान किसका होता है, मैं बताता हूं कि अगर ये लिखूं मैं 3/5 तो यहां जो निशान होता है वो किसका होता है, सोचो, सोच लिया होगा। अब मैं बताऊं, ध्यान से सुनो, देखो यहाँ निशान होता है किसका, प्लस का, इसमें मिश्र बिंदु। अगर आपके पास कोई मिश्र बिंदु रखी है जैसे 1/2 है तो यहाँ निशान किसका होता है, प्लस का होता है, ध्यान रखना, गुणा का नहीं होता है। वो गुणा का निशान क्या होता है, वो ये होता है जो 1 या ऐसे लिखा हो 3 लिखा हो और ब्रैकेट में लिखा हुआ 1/2। अब यहाँ निशान किसका है, गुणा का है, नागी का। तो यहाँ अगर सीधा मिश्र बिंदु से लिखी हो 3/1/3 लिखा हुआ है तो यहाँ निशान किसका है, प्लस का। देखो ये आपके पे कितना है, देखो 3 2 1 2 2 1 3 बटे कितना है, 2 है ना। मैं कहता हूँ यहाँ निशान किसका है, प्लस का, बटे में एक मान गया इसमें कितना आया, 2 2 1 2 प्लस इसको जो 2 से कट गया कट गया, लेकिन आ गया 1 2 1 3/2। अगर यहाँ गुणा का होता तो क्या 3/2 आता, नहीं आता ना। इसका मतलब ये ध्यान रखना कि अगर मिश्र बिंदु आपको दे रखी है तो मिश्र बिंदु के दो दो अंकों के बीच में ना, जैसे ये 3/9/5 लिखा हुआ है तो यहाँ निशान किसका है, प्लस का है, ठीक है। तो साधारण बिंदु, तो इस प्रणाली में आपने क्या करेंगे, साधारण बिंदुओं को जोड़ना, ठीक है, साधारण बिंदुओं को घटाना, ठीक है, गुणा करना, भाग करना, ये सीखेंगे साधारण बिंदु। मिश्रित बिंदुओं को साधारण बिंदु में बदल के फिर उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सीखेंगे। और इनको क्या करना है, संख्या रेखा पर भी दर्शाना सीखेंगे, ठीक है। ये संख्या रेखा पर साधारण बिंदु कैसे दर्शाते हैं, और मिश्र बिंदु को कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। मिश्र बिंदु है तो मिश्र बिंदु को वैसे तो दर्शाई जाए, मिश्र बिंदु को आपको पहले प्रयोजित करना पड़ेगा किसमें, साधारण बिंदु में, उसके बाद उसको आगे अपने हम सॉल्व करेंगे। अब बात कर लेते हैं दशमलव की, ठीक है। अब दशमलव वाली संख्याएं भी इसमें भी, दशमलव वाली जो संख्याएं है ना उसमें भी अपने क्या करेंगे, उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सीखेंगे। और दशमलव वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करना है वो सब इस प्रश्नावली में अपने सीखेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा साधारण भिन्न, भिन्न वो होती है जो अंश बटे हर में लिखी होती है, या पी बटे क्यू बोल दो, पी बटे क्यू में लिखी होती है, जो भिन्न होती है, ठीक है, वो भिन्न संख्या भी होती है। वो आप क्लास में जब जाओगे ना बड़ी क्लास में तो पता चलेगा कि अंश बटे हर में लिखी होती है वो सारी क्या होती है, भिन्न संख्या होती है, ठीक है। तो अगर वो अपने बात करेंगे आगे क्लास में तो ये भी ध्यान में आ गया होगा कि दोनों के बीच में निशान किसका होता है, प्लस का, भिन्न होती है दो प्रकार की, साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न। इस प्रणाली में हमें जोड़ना घटाना ये सब सीखे, के दशमलव और भिन्न को भी जोड़ना घटाना, संख्या रेखा को निरूपित करना, ये सब सीखे, ठीक है। तो अब आ जाओ आप एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है,
क्वेश्चन नंबर एक उसका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक। तो डेट का क्वेश्चन नंबर एक है, साधारण तीन दे रखी है, उनमें आपको क्या करना है, हल करना है। ये हल कीजिए, अगर पहला सवाल है 2 - 3/5/1 मान गया, इससे कितना आ गया 5। देखो एक तरह से लेना आपका आना चाहिए लघुत्तम, लेना आना चाहिए लघुत्तम। देखो इन दोनों संख्याओं का गुणा करके ले सकते हो, तो एक ऐसी संख्या मतलब जो 1 / 5 से बड़ा है, मतलब क्या है। अब देखो क्या कर रहे हैं, बारी बारी से लघुत्तम वाली संख्या है ना, उसको आपको किससे गुणा करना है। मान लो ये नहीं है 3/5, आपको क्या करना है, इस 5 को उससे गुणा करना है। 2 / 1 है ना, उसको गुणा करना है 5 से, करने वाला तो पहले भी गुणा देगा, 5 दूनी कितने हो गए 10। माइनस मान लो ये वाली संख्या नहीं है, अब आपको 3/5 को नीचे वाली ऐसे वाली संख्या से गुणा करना है, 3/5 को किससे गुणा करना है, नीचे वाली इस ऐसे वाली संख्या से, 5 से 5 कट गया, कौन कट गया 3, 10 में से 3 में 7/5 क्या आ गया 5, ये आपका हल हो गया 7/5। इसी का दूसरा जो पार्ट है उसमें देखो जोड़ना है, ठीक है, 4 + 7/8/1 वाला ऐसे कितना आ गया 8, जब मैं 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 चौके कितने होंगे 32, प्लस इसको जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 से 8 मल्टीप्लाई करूंगा कितने 7, 32 और 7 कितने होंगे 40/8। ठीक है, अगला जो सवाल है उसमें देखो दोनों ही गिनते रहते हैं, ये देखो थोड़ा सा दोनों ही गिनते रहते हैं। अगला माइनस का अपने आप बता, देखो ये ध्यान रखना है, यहाँ जो निशान है ना वही निशान यहाँ आना चाहिए सभी सवाल में। देखो अगर 3/5 में अगर जोड़े 2/7, अब देखो इनका एलसीएम क्या आएगा, अब 5 और 7 का पहाड़ा बढ़ो अपन दोनों का, या ऐसे करो दोनों का पहाड़ा लिख लो, ठीक है, दोनों का पहाड़ा यहाँ लिख लो 20, 25, 30, 35, ठीक है 40, 45 और 50, इधर में 7 लिख लो, 7 × 7 = 14, 7 × 14 = 21, 7 × 21 = 28, 7 × 28 = 28, 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 28
साथियों डायरी से 32 पांच
ही लिखते हो गए 15। अब इसको हल करो, 15 और 4 हो गए 19, 19 और 7 हो गए 26 बटे में 10। इतना छोड़ना है, इतना छोड़ दो, काट दो, काट दो, 13 बटे में कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 5, 2 के बाद कट गया 13 26, ठीक है, और 2 से कट जाएगा कितना 5, ठीक है। देखो 2 से भाग देने का मतलब उसका आधा करना होता है, तो इसने कर दिया वो कि 26 का आधा हो जाएगा, सॉरी 26 का आधा कितना हो जाएगा 13, और 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, 13 बटे में कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अगला जो सवाल है उसमें क्या है, मिश्र भी दे रखी आपको, तो दोनों में से मैं एक नंबर का माइनस वाला करा रहा हूं, प्लस वाला अपन पहले कैसे किया था मैंने, 7 और देखो माइनस वाला 8 सही 1 बटे में 2 माइनस 3 सही 5 बटे में 8, तो ये मिश्र भी दे रखी है। मैं इसको क्या करूं, साधारण भी दे दो, देखो 2 8 कितने हो गए 16, 16 और 1 17 बटे में कितना हो गया माइनस 8 के 24, 24 और 5 कितने हो गए 29 बटे में 24 और 5 29 बटे में कितना हो गया। अब ऐसे देखो दोनों में क्या है, 2 का बड़ा देखो 2 4 6 8 और 8 के बड़े में 8 16 8 देखो दोनों में आ रहा है, तो ऐसे कितना आ गया इसका 8। अब जब 8 ऐसे मान गया तो मैं 17 बटे 2 इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से 2 कट गया 4 के 17 में 4 से मल्टीप्लाई करो 17 किया 17 दिए कितने हो गए 51 होते हैं, ठीक है, और 17 51 51 और ये 17 भी हो जाएंगे 17 ठीक है। और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये कट जाएगा 8 8, ठीक है, तो ये आपका घटा दो 8 से 8 कट गया कितना रह गया माइनस के 38, 68 में से 29 घटा दो यहाँ जो भी आएगा वो भी यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है, इसको कर दो आगे, ठीक है। अब आ जाओ अपने निम्नलिखित को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है, तो उसके लिए देखो एक तरीका बताता हूँ मैं, ये उदाहरण देखो इसको घटा रहा है तो घटा रहा है, यहाँ अगर 68 है यहाँ 38 है, ठीक है, यहाँ अगर 69 होते तो एक ज्यादा हो गया ना, एक ज्यादा हो गया, 69 होते तो कितने लेते, तो एक कम ले लेगा तो कम ले लेगा, मतलब यहाँ अगर 68 होते 69 होते 69 होते तो कितने लेते, 40 लेते ना, 40 लेते तो एक कम ला 39 ले लेते, ठीक है 39 लेते हैं यहाँ यहाँ से आगे। अगला देखो आरोही और अवरोही क्रम, दूसरा सवाल है आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है, पहला है आपका 2 बटे में 9, ठीक है, 2 बटे में 3 और 8 बटे में 21, आप क्या करो इनके जो अंश है ना वो एक जैसे कर दो, अंश एक जैसे कर दो, और अंशों में आपको क्या करना है, देखो 2 बटे में 9 है, 2 बटे में 3 है, 8 बटे में 21 है, अगर मैं 2 बटे 9 2 बटे में 3 और 8 बटे में 21 के अंश को एक जैसे कर दिया तो मैं क्या करूँ, इसको 4 से ऊपर नीचे गुणा करूँ, इसको भी 4 से ऊपर नीचे गुणा करूँ, ठीक है, ये आपके हो गए कितने 8 बटे में 9 6 36, ये हो गए 8 बटे में 12, ये हो गया 8 बटे में 21। अब देखो जो संख्या नीचे क्या है छोटी है ना, जो संख्या नीचे मतलब नीचे छोटी है मतलब वैसे नीचे छोटी है और ऊपर बड़ी है, अगर नीचे देखो नीचे वाली संख्या की तुलना करो बड़ी है उसको अब आपको अवरोही आरोही में पहले तो अंतर पता होना चाहिए, देखो आरोही और अवरोही, ठीक है, आज अपने इसी पे चर्चा कर लेते हैं, सवाल लिया आप इनको देख के कर लेना। आरोही देखो शब्द क्या है छोटा है ना, तो ये छोटे से बड़े की ओर लिखा जाएगा, ठीक है, अवरोही क्या है बड़ा है तो ये लिखा जाएगा बड़े से छोटे की ओर। अब आपको अवरोही लिखना है तो बड़े से छोटे की ओर लिखना है, तो यहाँ देखो जो संख्या छोटी होगी ना उसको लेना है, तो 2 बटे में छोटे कौन है 12, 21 26 में छोटा कौन है 12, तो 12 का क्या था आपकी संख्या 2 बटे में 3 थी, 12 के बाद छोटा कौन है 21 है तो क्या आएगा 8 बटे में 21, उसके बाद कौन है 36 तो कौन आएगा 2 बटे में, तो ये आपका अवरोही क्रम में हो गया, ठीक है, बड़े से छोटे की ओर
इसका जो दूसरा पार्ट है वो आप अपने आप रखना, ये अव्ययीकरण में हो गया इस कारण से, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट है वो आप अपने आप रखोगे अव्ययीकरण में, उसको कैसे लिखना है, इसमें क्या करना है आपको, ऊपर है ना एक जैसे बनाने के लिए आपको 21 कर लेना है, 21 से ऊपर नीचे एक जैसे हो जाएगी, 1/3 है, एक सॉरी 1/5 है, 1/7 है, 6/10 है, क्या करना ऊपर 21 बन जाएगा, तो एक जैसे करने के लिए फिर बाद में आप